बांग्लादेश में भले ही सत्ता परिवर्तन हो गया हो, शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हो, मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बन चुके हो, छात्रों की सरकार बन चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से हजारों की संख्या में छात्र ढाका की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। आज यानी 10 अगस्त की सुबह एक बार फिर से छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बार निशाना सुप्रीम कोर्ट पर था, गुस्सा सुप्रीम कोर्ट के जज पर था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी छात्रों को कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। और ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? ताकि जो अंतरिम सरकार बनी है उसे अवैध घोषित किया जा सके। जैसे ये खबर फैली, प्रदर्शनकारी छात्रों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को एक घंटे के भीतर इस्तीफा देने के लिए कहा। यानी एक घंटे का अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को दिया गया। प्रदर्शन को बढ़ता देखकर बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस हैं उबैदुल हसन, उन्होंने न्यायपालिका के प्रमुख के पद से अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया। इससे पहले ये खबर आई थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, जिससे प्रदर्शनकारी छात्र हजारों की संख्या में छात्र सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ने लगे, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को घेर लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो चीफ जस्टिस है वो अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करना चाहते हैं, इसलिए हम उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो एक घंटे के भीतर अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दे। इसके अलावा जो सरकार में शामिल लोग हैं, जो मंत्री बने हैं एक दिन पहले, उनकी तरफ से भी ये मांग की गई कि अगर छात्र ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस अपना पद छोड़ दें तो उन्हें बिना शर्त अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो उन्होंने मीटिंग बुलाई हुई है कोर्ट के सभी जजों की, फुल फ्लेज मीटिंग है जो, उसको भी रद्द कर देना चाहिए। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि जब छात्रों का ये गुस्सा भड़का, छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया, तो चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया और मीटिंग को भी स्थगित करने का फैसला किया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे, उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। इससे पहले शेख हसीना, जो बांग्लादेश की 15 साल से प्रधानमंत्री थी, वो देश छोड़कर चली गई थी। उनके खिलाफ लगातार महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे, छात्र सड़कों पर थे और उनकी ओर से ये प्रयास किया गया कि किसी तरीके से इस जो प्रदर्शन है उनको दबा दिया जाए, रोक दिया जाए, लेकिन जो छात्रों का गुस्सा था वो फूट पड़ा और 5 अगस्त को शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, अंतरिम सरकार बन चुकी है। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।